हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज का जो दिन है बुधवार है और मैं अपने गांव आया हूँ। गांव आके मुझे 10 से 12 दिन हो गया है। हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी था, ब्लॉग आ नहीं पा रहा था क्योंकि गांव में हूँ और जब भी गांव आता हूँ मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है। उस कम टाइम में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ। कम टाइम के इस पीरियड में मुझे आज थोड़ी फुर्सत मिली है और मुझे अभी कम टाइम है। मैं आने वाले 4-5 दिन में बैंगलोर में ही मिलूँगा आप लोगों से। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ मेरी गाय, मेरे जानवर रहते हैं, ये देख लो, ये उनके लिए ही घर बना हुआ है। इधर ये चारा काटने का मशीन है तो इधर इनके लिए लाइट लगा है। हाँ, हालांकि लाइट 2 दिन से बहुत प्रॉब्लम थी। अगर जो लोग पूर्वांचल से रहेंगे, उत्तर प्रदेश के, उनके यहाँ भी ये दिक्कत रहेगी, लाइट वाइट का बहुत पंगा रहेगा। और मैं एक ख़ास चीज़ बताऊं, पहले मेरे घर तक लाइट नहीं थी। आज से 7-8 साल पहले इतनी प्रॉब्लम थी लाइट की, जिसके घर लाइट रहती थी हम लोग उनको बहुत अमीर समझते थे। आज ये रोड देखो, मेरे घर तक है। जहाँ मेरा घर है ना, वहाँ मेरे घर के पास तक ये रोड बना हुआ है। तो बहुत खुशी होती है कि ये डेवलप हो रहा है बहुत तेज़ी से। देखो, हाँ, हालांकि बहुत लोगों के घर नहीं ऐसा रहेगा व्यवस्था, ठीक है, बट आने वाले कुछ टाइम में हो जाएगा, सब बढ़िया ठीक ठाक। तो आज मैं बोला कि कुछ आपके गांव का यह नज़ारा दिखाता हूँ। देखो अभी कितना हरा भरा है। और देखो ये धान है ना, धान जिससे चावल बनता है, इसके ऊपर से वो परत निकाल के अभी ये कटना शुरू हो गया। वैसे ख़राब हो गया है, बारिश की वजह से पूरा पानी में गिर गया था। अगर ये नहीं निकालेंगे तो सड़ जाएगा, तो घर वाले ला के इधर रख दिए हैं। अभी धीरे धीरे धान की कटाई शुरू हो गई है। 2 दिन बिजली की स्ट्राइक थी तो हालांकि गांव में फ़ोन चार्ज करने का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट गांव के लोग थोड़ा ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं और लोगों ने व्यवस्था कर लिया था अपने फ़ोन चार्ज करने का। और रही बात दिन में सोने की, तो ऐसे जो है पेड़ मिल जाते हैं और ऐसे खाट रहती है, ये खाट देख लो, तो वहाँ पे अपना सोने का व्यवस्था बना लेते हैं। हमारा घर है, अभी घर का काम चल ही रहा है। अभी मैं बाहर गया था और लाइट चली गई थी और फैन चालू ही है, इसको बंद ही कर देते हैं यार, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। अपने छत पे खड़ा हूँ मैं और इधर से गांव कुछ ऐसा दिखता है। आप देखो घर, सूरज की रोशनी मेरे मुंह पे, बड़ा सुकून मिलता है गांव में आके। और शायद मैं ऐसी नौकरी करता हूँ, मुझे बहुत लिमिटेड छुट्टी मिलती है, उसमें ही आके घूमना रहता है, घर के काम, सबसे मिलना भी, सारा काम उसी में निपटाना रहता है। हाँ ठीक है, फिर भी जितना काम रहता है सब ख़त्म कर लेता हूँ, सबसे मिल विल भी लेता हूँ, हो जाता है ऐसा। फिर अगले आने वाले 4-5 दिन में बेंगलोर में ही आप लोग से मुलाकात होएगी। एक चीज़ बढ़िया लगा, क्या पता है, कि अभी जो है ना, घर तक रोड है, लाइट है, सारी चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई हैं गांव में। बट ठीक है, गांव को गांव ही रहने दो, शहर मत बनाओ, नहीं तो गांव और शहर में अंतर क्या हो जाएगा, जब लोग परेशान होंगे कहाँ आएंगे। कोरोना वायरस के टाइम में आप लोग को पता है सब लोग घर ही आए थे, कोई रास्ता नहीं बचा था उनके पास, पैदल चल के आए थे, अच्छे अच्छे लोग आए थे, बहुत पैसे वाले लोग आए थे जिनका भी गांव था। मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं फंस गया था, नहीं मैं भी आता था, 2 महीने वहाँ पे बैठा था, आके मज़े करता था। हालांकि अब आने का मौका मिला और आके मुझे लगभग 10 दिन हो गया है बेंगलोर से, सब मज़ा है। तो मेरा गाँव ऐसा है,
आप भी बताओ अगर आपका गांव ऐसा है तो। वैसे हाँ, अगर आप गांव से रहोगे तो मेरे जैसा मिलता जुलता ही गांव रहेगा आपका भी। इधर देखो ना, ये इसको बांस बोलते हैं यार, केले का पेड़, अमरूद, छोटे छोटे घर। फिलहाल आज का ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ा आ रहा है यार, मतलब जाने का मन नहीं करता बट क्या करें, मजबूरी है कि नहीं। देखिए पूरा पूरा मज़ा है। तो मिलते हैं, टाइम मिलेगा तो एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।